गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं गाइस हमारा आज का सेशन। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तो हिंदी को बोलना ही हम प्रयास करेंगे, हिंदी में ही बात करें। सो जो बच्चे लाइव हैं, आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा सेशन है, हमारी आज की जो कक्षा है, ये है हमारी उन छात्रों के लिए जो हिंदी माध्यम से है, क्योंकि हम हर शनिवार और रविवार क्लास लेके आते हैं। जो आपकी शनिवार की क्लास होती है वो उन बच्चों के लिए जिनको कंटेंट इंग्लिश में चाहिए, और जो रविवार की हमारी क्लास है, रविवार को सुबह 10 बजे हम जो क्लास लेके आते हैं वो हमारी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सारे ऑनलाइन आ जाएं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके, आप सब लोग प्रेजेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, आज का हमारा टॉपिक है भू परिष्करण। भू परिष्करण, जिसे आप जुताई, बुवाई या फिर टिलेज के नाम से भी जानते होंगे। हिंदी के अंदर पढ़ा रहा हूं तो मुझे आज इस भाग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी की किताबों में इस टॉपिक में बहुत सारी गलतियां हैं। आप ना माने तो मैं आज आपको समझा के जाऊंगा, आप किताबों में जाके चेक कर लेना। मैं 101% जानता हूं वहां पे गलत ही लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं लेक्चर बना रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ वहाँ वेरीफाई भी करना पड़ता है, मुझे हिंदी के थोड़े बहुत नोट्स भी देखने पड़ते हैं, तो उन चीज़ों में जाके देखता हूँ कि ये आज तक भी चेंज नहीं हुआ है। इंग्लिश की किताबों ने चेंज कर दिया है, लेकिन हिंदी किताबों में बहुत सारी गलतियाँ हैं। बट चिंता ना करें, हमारे लेक्चर में आपको गलतियाँ नहीं मिलेंगी। जो जो गलतियाँ वहाँ पर हैं उनको चेंज कर दिया गया है, आपको बता दूंगा कि वहाँ पर क्या लिखा गया और यहाँ पर क्या लिखा गया। एक काम करते हैं, आपसे पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं, आपसे पहले पता कर लेते हैं कि क्या वो गलत लिखा गया है, सही लिखा गया है। एक बार जस्ट येस और नो लिखना, जो बच्चे हिंदी की किताबों से पढ़ते हैं, जस्ट येस और नो लिखे, आप खुद समझ जाएंगे कि हमें गलतियां नहीं करनी और वहां पे गलतियां हैं। येस और नो कहाँ पे लिखना है, अगर मैं ये बोलूं हिंदी की किताबों के अनुसार प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण कैसे कहते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण वो जो बुवाई से पहले किया जाता है, मतलब सोइंग से पहले जो है वो प्राथमिक होता है, और जो बुवाई के बाद किया गया वो सेकेंडरी या फिर द्वितीयक भू परिष्करण होता है। अब जस्ट यस और नो लिख के मुझे जवाब दे दें। अब ये जो मैंने बात बोली है ये गलत है कि सही, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आपने ऐसा पढ़ा हुआ है हिंदी की किताबों में? अगर पढ़ा है तो यस लिखें, नहीं पढ़ा तो नो लिखें। आप खुद देख लीजिए कमेंट के अंदर, बच्चे यस लिखेंगे ज्यादा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऐसा ही लिखा जाता है हिंदी वाली किताबों में कि प्राथमिक भू परिष्करण बुवाई से पहले होता है और द्वितीयक भू परिष्करण जो है वो बुवाई के बाद होता है। देखो मुझे कमेंट के अंदर कोई एक बच्चा भी नो वाला नहीं दिख रहा, सब बच्चे यस लिख रहे हैं। बच्चों ये बात बहुत गलत है ना, कैसे गलत है आप एक बार लिख रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आज के लेक्चर में मुझे बहुत कुछ आपको नया सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही है, मैं राजस्थान से हूँ, मैं हिंदी माध्यम का ही छात्र हुआ करता था, मुझे हिंदी वाले बच्चों थोड़ा ज़्यादा लगाव है। मुझे लगता है यार कि ये जो बच्चे हैं ना, इनको भी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इनके पास जो चीज़ें नहीं है ना वो मिलनी चाहिए। मेरा पिछले साल से एक छोटा सा सपना था कि मैं एग्रीकल्चर के लिए हिंदी में किताब लेके आऊं, बट क्या करूं, टाइम की कमी होने के कारण अंग्रेजी भाषा के अंदर हम फिर भी ले आते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा डिमांड होती है, हिंदी में थोड़ी सी कम होती है। तो मैं चाह रहा हूं कि किताब ऐसी भी हो जो सिर्फ हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए हो, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती है। तो ट्राई कर रहा हूँ, इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल तक लेके आऊँगा। बट बात इतनी सी कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पेपर हमारा जब आएगा तो पेपर में गलतियाँ करने का हमारे पास मौका नहीं होगा, हमें वहाँ पे सही करना होगा। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपने यस लिखा, सभी लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है, आपने अगर हिंदी के नोट्स या किताबें आपने पढ़ी हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो पाटा लगाना होता है, पाटा का मतलब क्या होता है, प्लेन कर देना, लेवल कर देना, उसको क्या कहते हैं, समतल कर देना। जब हम पाटा, स्क्रैपर, क्राहा या फिर लेवलर आप जिसे बोलते हो, जब पाटा लगाते हैं तो क्या ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक भू परिष्करण का पार्ट है या फिर सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक भू परिष्करण का पार्ट है? बस आप मुझे इतना लिख के बता दो, ये प्राथमिक है या द्वितीयक है, कौन आपका, पाटा लगाना या फिर लेवलर आप बोल दीजिए, समतल करना, क्राहा लगाना, स्वागा, आप जो भी वर्ड बोलते होंगे, क्या ये प्राथमिक का पार्ट है या फिर ये द्वितीयक का भाग है? बस आप इतना सा बता दें, फिर मैं आपको बता देता हूँ पिछली बात जो मैंने बोली वो सही है कि गलत है। चलो अब जब बात करें कि इसकी आपके प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण की, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब बच्चे इतने सारे हार्ट भेजते रहते हैं, उसके अंदर प्लीज ना भेजा करें, डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है, आप जब कमेंट्स लिखते हैं, ये कमेंट्स ही तो है जो हमें हर दिन काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।
लेकिन अच्छा सा लगता है ना वो आपके देख के बड़े बड़े मैसेज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप क्लास के लास्ट में लिख दिए जो भी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, लेकिन अभी ना लिखें, वो इतने सारे कुलदीप जी ने दिल लिख के भेज दिया है ना, कुलदीप जी थैंक यू सो मच, बट अभी ना लिखें, क्लास के लास्ट में लिखें, मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ नहीं पा रहा, अभी आपको पढ़ाना है मुझे। चलो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो पाटा लगाना है, जो आपका लेवलर है, वो प्राइमरी का पार्ट है या फिर सेकेंडरी का पार्ट है? जब बात करें किसके, आपके पाटा लगाने की, तो ये पार्ट है किसका? आप लोग जो लिख रहे हैं, आप देखो ना, ये हिंदी माध्यम के छात्र हैं, तो एक मिक्स आंसर मुझे मिल रहा है, सेकेंडरी भी मिल रहा है, प्राइमरी भी मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चे इसे सेकेंडरी लिख रहे हैं। ओके, जब बात करते हैं किसकी, आपके राइट आंसर की, क्योंकि आप प्राइमरी, 40% लोग प्राइमरी लिख रहे हैं और 60% लोग सेकेंडरी लिख रहे हैं। बच्चों देखो, पाटा लगाना जो है वो 60% लोग, जो मेजोरिटी है, बिल्कुल ठीक है, पाटा लगाना जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वो सेकेंडरी टिलेज का पार्ट होता है, ठीक है बच्चों, द्वितीयक भूपरिष्करण का पार्ट है। अब द्वितीयक भूपरिष्करण की बात करेंगे, अभी तो हमने बोला था कि बुवाई के बाद जो किया जाए वो द्वितीयक है, और बुवाई से पहले जो किया जाए वो प्राथमिक है, ऐसा हमने किताबों के अंदर पढ़ा हुआ है। अब बताइए, पाटा कब लगाते हैं, बुवाई से पहले लगाते हैं कि बाद में लगाते हैं? क्या बीजों को लगा देते हैं फिर उसके ऊपर पाटा चलाते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, बीजों की बुवाई से पहले, सीड सोइंग से पहले पाटा लगाया जाता है, और पाटा किसका पार्ट है, सेकेंडरी, द्वितीयक भूपरिष्करण का। तो भाई बुवाई से पहले कौन आया, पाटा, और बुवाई से पहले कौन आ गया, द्वितीयक भूपरिष्करण। अभी तो हमने किताबों से सीखा कि जब हम बुवाई करते हैं तो उसके बाद जो भूपरिष्करण है वो द्वितीयक होता है, बिल्कुल गलत बात है ये, आपके सामने मैंने प्रूव भी कर दिया है, आपने पढ़ा भी ऐसा और आप समझ भी गए हो, तो थोड़ा समझदारी से काम लेना। कल्टीवेटर को हिंदी की किताबें प्राथमिक भूपरिष्करण का पार्ट लिखते हैं, जबकि कल्टीवेटर जो है वो द्वितीयक का पार्ट माना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आज आपको बताता रहूंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें, है ना, मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको जो भूपरिष्करण वाला टॉपिक है उस पर पूरे नोट्स ही दे दूं, ताकि आपको वहां से पढ़ना ना पड़े। लेकिन बात यह कि सिर्फ बात टिलेज या भूपरिष्करण की नहीं है, गलतियां काफी सारी हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, अब आप सारे लोग समझ गए हैं। भूपरिष्करण वर्ड की बात करते हैं, सबसे पहले भूपरिष्करण शब्द जो है, ये टिले शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है? तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं ताकि आप इस शब्द को समझ पाए, आप जरा यहां पे देख लें, आप इसको देखते ही समझ आएंगे कि भूपरिष्करण क्या होता है ना। तो जब बात करें किसकी, आपके भूपरिष्करण की, तो बच्चों भूपरिष्करण का मतलब कुछ ऐसा है कि आपकी जो मृदा है, आपकी जो मिट्टी है, मृदा या फिर आपकी जो मिट्टी है ना, उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी मृदा या फिर मिट्टी में जब आप बुवाई करते हैं, है ना, आपको जब सोइंग करनी है, जब बीज लगाने हैं, तो मिट्टी की जो कंडीशन होती है, जो अवस्था होती है, वो हमारे लिए क्या होती है, सूटेबल नहीं होती है, मतलब बुवाई करने के लिए, सीड की सोइंग करने के लिए वो क्या है, अनुकूल नहीं है। तो उसे अनुकूल बनाने के लिए हम उसके अंदर विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं, वो हल हो सकते हैं, वो हमारे क्या हो सकते हैं, रोटावेटर हो सकता है, वो आपका कल्टीवेटर हैरो हो सकता है। आपने उन अलग अलग प्रकार के इंप्लीमेंट को, यंत्रों को उपयोग में लाते हुए जब क्या कर दिया, मिट्टी को डिस्टर्ब कर दिया, मिट्टी के अंदर उथल पुथल कर दी, मिट्टी को क्या कर दिया, हेर फेर कर दिया, नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आगे, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे आपका भूपरिष्करण या फिर टिलेज। वो सेकेंडरी हो सकता है, वो प्राइमरी हो सकता है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो भी है, बात ये कि भूपरिष्करण हम उसे कहते हैं जब आप मिट्टी की अवस्था में बदलाव लेके आते हो, चेंज लेके आते हो, उसे डिस्टर्ब करते हो, उसको मैन्युपुलेट करते हो, कोई भी आप शब्द बोल दीजिए, लेकिन भूपरिष्करण मतलब कुछ ऐसा ही है कि हमने मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे उथल पुथल करी है, जिससे क्या हो गया है, हमारी जो मिट्टी है वो हमारी अगली क्रॉप के लिए, अगली फसल के लिए क्या हो गई है, वो सूटेबल हो गई है। क्या सब लोग समझ गए? ऑफ कोर्स आप लोग समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि टिलेज क्या है, भूपरिष्करण क्या है। तो आपने भी खेतों के अंदर देखा होगा, जब हल चल रहे थे, हैरो चल रहे थे, कल्टीवेटर चल रहे थे, पाटा चल रहा था, कुछ भी खेत के अंदर चल रहा हो, लेकिन बात करेंगे जो भी खेत के अंदर चल रहा है, ये पार्ट किसका है, किसका भाग है, ये हमारा भूपरिष्करण है। और एक छोटा सा काम और करना, क्योंकि आप अगर 12वीं क्लास पास करके बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम जो जेट आईसीआर बीएचयू को होता है उसमें जा रहे हैं, या फिर अब यूपी एमपी या छत्तीसगढ़ से, तो आपका जो बीएससी एंट्रेंस वाला एग्जाम है, तो अभी आप छोटे बच्चे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं छोटे बच्चे, आप बड़े हो गए आप, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि अभी आपके लिए इन चीजों को सीखना नया नया है,
आपने 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ा भी हो सकता है ना भी पढ़ा हो, क्योंकि 11वीं 12वीं राजस्थान के अंदर तो एग्रीकल्चर में होती है लेकिन सारे राज्यों के अंदर नहीं होती है। तो अगर आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा ना, तो जैसा कि हमेशा आपको सिखाता हूं, पढ़ने का एक बहुत साधारण तरीका है। पहली बात तो यह कि पढ़ाई करना बंद कर दो। आप सोचोगे सर कैसी गलत बात कर रहे हो, पढ़ाई करना बंद क्यों करें? मैं पढ़ाई करना बंद इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बताता हूँ, मैं कभी पढ़ाई नहीं कराता है ना, मैंने कभी पढ़ाना सीखा ही नहीं है, मैंने तो समझाना सीखा है। तो पढ़ाऊंगा नहीं समझाऊंगा, आप भी पढ़िए नहीं, बस समझते जाए चीजों को। और पढ़ने के लिए रट्टा लगाना पड़ता है, समझने के लिए इमेजिन करना पड़ता है ना। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, ये बहुत पावरफुल है, ये आपको बहुत सारी इमेजिनेशन काल्पनिक क्रियाओं में लेके जाता है। तो आप कल्पनाएं करते रहा करो, साथ साथ क्लास के अंदर फिजिकली तो आप बैठे ही हो है ना, आप क्लास में मेंटली यहां वहां जाओ, लेकिन यहां वहां जाने का मतलब ये नहीं कि कुछ और सपने, ये वाले सपने देखना स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोला हल चल रहा है, तो आप जस्ट आपके माइंड के अंदर एक वो वाली इमेज, एक वो वाली वीडियो लेके आओ, जब आपने हल को चलते हुए देखा तो होगा यार, हम सारे लोग गांवों से है तो हमने ये सब तो देखा ही हुआ है ना, तो आपने देखा हुआ हल कैसे चलते हैं, जुताई कैसी होती है, बुआई कैसी होती है, तो आपने कुछ भी चलता हुआ देखा है ना, अच्छा सर वो चल रहा था और वो मिट्टी को ऐसे ऐसे कर रहा था, अच्छा इससे भूख परीक्षण कहते हैं, ठीक है सर समझ गया। आप एक मिनट के अंदर चीजों को समझ जाओगे। तो बस सुनते जाइए, साथ साथ इमेजिनेशन करते जाइए और आप समझते जाइए। पढ़ना बंद कर दीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए, चीजें बहुत आसान है, टाइम ही नहीं लगता। 3 से 4 महीने के अंदर बच्चा वो सीख जाता है जो 4 सालों में नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि 4 सालों में वो पढ़ाई कर रहा था, अब यहां पे वो पढ़ना छोड़ के समझना स्टार्ट कर देता है, तो हम 4 महीने में से सब कुछ समझा देते हैं, तो आप भी समझते रहे। तो भू परिष्करण वर्ड समझ आ गया। अब देखो एक बार भू परिष्करण की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि भू परिष्करण की परिभाषा क्या होती है। बोला गया भू परिष्करण मृदा में की जाने वाली समस्त क्रियाएं हैं। आपने क्या किया, आपकी भूमि के अंदर, आपकी मृदा के अंदर बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं कर दी। मैंने अभी आपको नाम लिए है ना, हल चलाना, कल्टीवेटर चलाना, हैरो चलाना, पाटा चलाना, कुछ भी कह दो आप, आपने अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करनी है आपकी मिट्टी के अंदर, जिसमें मृदा की जल शोषण क्षमता, मतलब जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जल को रोकने की, जल को शोषित करने की जो क्षमता है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, मृदा की बात करते हैं। आपकी जो मृदा होती है, जैसे आप यहां पर देखें, ये जो यहां पर आपको भाग दिख रहा होगा, यहां पर अभी टिलेज नहीं हुई है, भू परिष्करण नहीं हुआ है, तो ये मिट्टी क्या है, ये मिट्टी जुड़ी हुई आपस में, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, सघन है, सघन मतलब कठोर है। अभी कठोर जो मृदा होती है उसके अंदर पानी कम जाता है और पानी वो शोषण कम करके और पानी को रोक भी, धारण जो होता है जिसे मृदा जल धारण क्षमता कहते हैं, वो भी कम कर पाती है। क्यों वो धारण कम क्यों कर पा रही है, बिकॉज आपकी मृदा जो है वो क्या है, कठोर है, वो कॉम्पैक्ट है। लेकिन जैसे आपने हल चला दिए, अब आपकी मृदा क्या होगी, अब आपकी मृदा कठोर नहीं होगी है, अब आपकी मृदा को आपने क्या कर दिया है, अब आपकी मृदा को आपने लूज कर दिया, मतलब कठोर से क्या कर दिया उसे, कठोर से उसे क्या कर दिया, खोल दिया, ऐसे सॉफ्ट कर दिया, लूज कर दिया, तो वो अब क्या होगी, ज्यादा पानी को ले पाई, बोला गया, जिससे मृदा की जल शोषण क्षमता मतलब एब्जॉर्ब करना, जल धारण क्षमता मतलब उसे होल्ड करना, मृदा की भुरभुरापन एवं उर्वरता में बढ़ोतरी हो। हमने जब भू परिष्करण किया तो उसकी शोषण अवशोषित करने की, एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता बढ़ गई है, उसकी वाटर होल्डिंग जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ गई है, उसके अंदर भुरभुरापन आ गया। आप देख लीजिए यहाँ पे है ना, पहले वो कठोर थी, अब उसके अंदर क्या आ गया, अब उसके अंदर भुरभुरापन आ गया। उसके बाद बोला गया उर्वरता में बढ़ोतरी हो तथा पौधों की वृद्धि अच्छी हो, एवं फसल उगाने के बाद भी उस अवस्था को बनाया रखा जा सके, उसे क्या कह देते हैं, भू परिष्करण कहते हैं। तो वो जो अवस्था बनाते हो, वो हमेशा के लिए तो नहीं बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी की जो अवस्था है वो चेंज, परिवर्तित होती रहती है। आज आप टिलेज करेंगे, बाद में फिर से ये परिवर्तित हो जाएगी, फिर से कठोर हो जाएगी। तो जब बात करें किसकी, आपकी मृदा की, तो आपकी मृदा में आप टिलेज करते हैं, भू परिष्करण करते हैं, वो लूज हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, नमी को ज्यादा अवशोषित कर पाती है, नमी को ज्यादा वो धारण कर पाती है, और बाद में धीरे धीरे वो फिर क्या होती है, कठोर होना स्टार्ट हो जाती है। और जब आप फसल की कटाई करते हैं, जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उस टाइम पे फिर से वो क्या हो जाती है, वापिस से मृदा कठोर हो चुकी होती है, और आपको अगली फसल की बुवाई के लिए फिर से क्या करना पड़ता है, भू परिष्करण करना पड़ता है। बात समझ आ गई होगी। चलो
आगे बोला गया उद्देश्य है। तो यहाँ पे बारी आपको पता ही है, मेरी नहीं बारी यहाँ पे आपकी आ जाती है, क्योंकि मैं एक चीज मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाता हूँ कि मैं जब ये पीपीटी बना रहा होता हूँ, मैं कितना भी अच्छा सोच लूँ, कितना भी ज्यादा अच्छा बन लूँ, लेकिन मैं इन 400-300 बच्चों से ज्यादा अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि आप सभी के मस्तिष्क अलग अलग काम करेंगे। मेरा अकेला काम कर रहा था, तो ऐसा जब भी कुछ आता मैं पहले आपसे पूछता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो पहले आपकी बारी है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करें कि जब आप भू परिष्करण करते हैं तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। जैसे अभी हमने एक बात करी थी कि मिट्टी के अंदर क्या कर देना, मिट्टी के अंदर उसकी जो जल धारण क्षमता है उसको बढ़ा देना। लेकिन इसके साथ साथ इतना सा नहीं होता उद्देश्य, उद्देश्य और भी बहुत सारे होते हैं हमारे भू परिष्करण के। तो एक बार आप लिखिए सारे लोग, उसके बाद मैं अकेला आपको बताऊंगा, है ना। आप सारे लोग मेरे से ज्यादा बेहतर लिख पाएंगे, मुझे ये पता है, क्योंकि आप लोग नए नए बच्चे हैं, बहुत कुछ आपके पास है, और इतने लोग मिलके जब बोलते हैं ना तो बहुत कुछ होता है। तो आप लोग जब देख रहे होते हैं तो कमेंट्स पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करें जब ऐसी बातें होती है, स्पेशली वो लोग जो वीडियो को लाइव सेशन के बाद रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, तो लाइव चैट को देखें इस टाइम पे, क्योंकि ये बच्चे देखना कितने सारे आंसर्स करेंगे, उतने यहाँ पे कभी नहीं आ सकते, बिकॉज यहाँ तो एक दिमाग ने काम किया है, यहाँ पे 300 दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। तो जरा आप लिख दीजिए उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि टिलेज करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ओके चलो, सो वन बाय वन देखते हैं। तो क्या बोला गया, वी आर जाट ने सबसे पहले बोला वीड मैनेजमेंट, ठीक है ना। भू परिष्करण का एक उद्देश्य ये भी होता है कि खरपतवारों का प्रबंधन किया जा सके। मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि आप अगर कमेंट्स में कुछ लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हिंदी भाषा के अंदर लिखें, क्योंकि हमारी अंग्रेजी भाषा वाली क्लास दूसरी होती है, आज हमारी हिंदी है, तो आप हिंदी लिखते जाएं। जो बच्चे हिंदी लिख रहे हैं उनका मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। रविशंकर जी कहते हैं वायु संचार के लिए, बिल्कुल ठीक बात है ना। जब बात करेंगे हमारी मिट्टी की, हमारी मिट्टी जो है वो क्या करती है, वायु को संचारित करती है, वायु का आदान प्रदान होता है वहां पे। तो वायु संचारण के लिए, वहां पे हवा के संचलन के लिए हम क्या करते हैं, भू परिष्करण करते हैं। उसके बाद लिखा गया कि उन्होंने उसके बाद लिखा गया आपका नाम द एंड बॉस है। कल भी आप क्लास ले रहे थे, सर आप अपनी नाम को चेंज कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपका नाम ले पाऊंगा फिर। तो आपने लिखा है वायु संचार और जल धारण, बिल्कुल ठीक बात है ना। पुष्पेंद्र जी लिखते हैं भुरभुरापन और जल शोषण, ठीक बात है कि हम जब खरपतवार क्या करते हैं, हम जब आपकी मिट्टी के अंदर भू परिष्करण करते हैं तो उससे क्या होता है, भुरभुरापन आता है और उसकी जो जल शोषण क्षमता है वो बढ़ जाती है। ओके उसके बाद महेंद्र जी ने लिखा फसलों की उपज में बढ़ोतरी, ठीक है ये भी है ना। टिलेज करने से क्या होता है, जो हमारी फसल की उपजाऊपन है वो बढ़ता है, और उससे जो हमारी उपज है उसके अंदर बढ़ोतरी आती है। उसके अंदर पुष्पेंद्र जी ने लिखा है कीड़ों का नियंत्रण, ये भी ठीक है, जो कीड़े हमारी मृदा के अंदर छिपे होते हैं है ना, उनका भी क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। ओके जब बात करते हैं किसकी, इसके अलावा बाकी बच्चे जो है वो अंग्रेजी भाषा के अंदर लिख रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा नहीं, हमारा हिंदी का लेक्चर है तो हिंदी की बात ही करेंगे। करण जी ने लिखा है फसलों की जड़ों के लिए, बिल्कुल करण जी ठीक लिख रहे हैं, फसलों की जड़ों की जब बात करते हैं तो फसलों की जड़ों वाले केस में क्या हो जाएगा कि उनकी जो जड़ें हैं, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, अगर भू परिष्करण सही तरीके से किया गया है तो वो ज्यादा नीचे तक जा पाएंगी, है ना। उसके बाद और बहुत सारी बातें लिखी गई, कीटों के जो अंडे हैं उनको नष्ट करने के लिए, कठोरता को तोड़ने के लिए, भूमि की भौतिक अवस्था जो है ना उसमें सुधार लाने के लिए, नमी को बनाए रखने के लिए, भू परिष्करण वाले क्षेत्र पर केंचुआ अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाता है, ऐसा प्रभात जी लिख रहे हैं, ठीक बात लिख रहे हैं आप। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम मृदा के अंदर भू परिष्करण करते हैं तो इसके अलग अलग उद्देश्य क्या होते हैं। आपने बहुत सारे लिखे, जब बात करेंगे उद्देश्य की एक लास्ट कमेंट में पढ़ दूंगा, क्योंकि काफी सारे लिखे हैं शिवम पांडे जी ने। शिवम पांडे जी लिखते हैं खेती वाले क्षेत्र में खरपतवार नष्ट हो जाने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। मिट्टी भुरभुरी हो जाए, बिल्कुल ठीक बात। जल वायु ताप और प्रकाश का आवागमन और संचालक सफलतापूर्वक हो सके, बिल्कुल ठीक बात। और लाभदायक जीवाणु भली भांति अपना कार्य कर सके, बिल्कुल शिवम जी ठीक बोला आपने। अब आगे चलते हैं, है ना। तो जब उद्देश्य की बात करते हैं, आपने मुझे बताया क्या क्या उद्देश्य है, जड़ों के ज्यादा अंदर जाने के लिए, पानी के अवशोषण के लिए, वायु संचालन के लिए, खरपतवारों खत्म करने के लिए, कीटों के अंडे खत्म करने के लिए, और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं हमारे किसके, भू परिष्करण करने के। तो क्या बोला गया, मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। तो क्या करते हैं, आपकी जो मृदा है उसमें वायु संचार को बढ़ाया जाता है, मृदा के अंदर वायु संचारण के लिए हम क्या करते हैं, भू परिष्करण करते हैं, खरपतवार इससे नष्ट हो जाते हैं, मृदा में जैविक पदार्थों को मिलाना, ये क्या होते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कह देते हैं। जैविक पदार्थ जो होते हैं
है ना, आपने वहां पे FYM फार्म यार्ड मैन्योर मतलब गोबर की खाद आपने वहां पे डाली हुई है। FYM के अलावा अगर आपने क्या किया वहां पे किसी भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर डाला हुआ है, तो जब आप टिलेज करेंगे, भू परिष्करण करेंगे, तो मिट्टी के अंदर जाके मिक्स हो जाएगा। और मिट्टी में जैसे वो मिक्स होगा बच्चों, उससे क्या होगा, हमारी मिट्टी जो है वो उसको डीकम्पोज करेगी, उसे सड़ा देगी, डीकम्पोज मतलब अपघटन कर देगी उसका। और अपघटन के बाद हमारे जो पौधे वहां पे उगे हुए हैं उनको क्या मिलेगा, वहां से न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो बोला गया मृदा में जैविक पदार्थों को मिलाना, मृदा में कीट एवं रोगों को कम करना, तो ये भी है जल शोषण एवं जल धारण शक्ति को बढ़ा देना। ये भी आप जानते हैं जल को शोषण करना, अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना और उसे होल्ड करना मतलब धारण शक्ति को बढ़ा देता है। फिर बोला गया मृदा कटाव को रोकना, ये आपको समझा देता हूं। मृदा कटाव को हम क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन बोलते हैं। मृदा कटाव कैसे रोकता है, जब मृदा कटाव की बात करेंगे बच्चों, मृदा कटाव को जो आपका क्या है, मृदा कटाव को जो हमारा टिलेज है वो कैसे रोकता है। जैसे मान लो आज बारिश हुई है, बारिश होते क्या हुआ, पानी अंदर गया है ना, तो क्या होगा, वो बह के मिट्टी को लेके फील्ड से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया है, भू परिष्करण नहीं किया हुआ, आपकी मृदा कठोर है, कठोर मृदा के ऊपर पानी आएगा लेकिन अंदर जाने में टाइम लगता है, क्योंकि मृदा कठोर है तो पानी को अंदर जाने में टाइम लगेगा। लेकिन बारिश तो तेज हो रही है तो पानी अंदर जा नहीं पाएगा, तो हमारे खेत से बाहर की साइड जाएगा, और जैसे वो बाहर की साइड जा रहा है तो अब क्या हो रहा है, ऊपर की मृदा को लेके जा रहा है, जब ऊपर की मृदा को लेके जा रहा है उसे क्या बोल देंगे, सोइल इरोजन या फिर मृदा का कटाव या फिर आपका मृदा क्षरण आप जिसे बोल देते हैं। और जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि मृदा की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, उसको हमें बचा के रखना होता है, उसे खराब नहीं होने देना। ठीक बात है, समझ के। तो कैसे मृदा कटाव को रोकता है, फिर वो लगा बीज अंकुरण हेतु मृदा को तैयार करना, क्योंकि अगर हमारी मृदा कठोर है तो जो छोटा बीज है वो अंकुरित होकर बाहर नहीं निकल पाएगा, उससे परेशानियां होंगी। तो जो आपके बीजों का अंकुरण है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उनके सही अंकुरण के लिए आपका क्या करते हैं, हम भू परिष्करण। अब बोला गया भू परिष्करण शब्द जो है, ये पहले किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया था, भू परिष्करण शब्द जेंथ्रो टोल ने 1731 है ना, काफी पहले का ये शब्द है, 1731 के अंदर इस शब्द को दिया था कि इन्होंने जेंथ्रो टुल ने। तो चलिए आपने देखा भू परिष्करण क्या है, भू परिष्करण के अलग अलग उद्देश्य क्या है और क्यों उन्हें किया जाता है, तो आप सारी बातें समझ पाए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप लिख लीजिए, फिर आपको क्लास के लास्ट में समझाऊंगा। राइट, ओके, आगे चलते हैं। तो उद्देश्य के बाद यहां पे क्या लिखा गया, उद्देश्य के बाद आपने बोला कि भू परिष्करण क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, आगे क्या लिखा गया, भू परिष्करण के प्रकार, अलग अलग जो प्रकार हैं किसके, हमारे भू परिष्करण के, उसकी बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं भू परिष्करण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं बच्चों, एक आपका होता है प्राथमिक भू परिष्करण और दूसरा हमारा कौन सा होता है, द्वितीयक भू परिष्करण, है ना, प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज के नाम से भी जानते हैं। तो जब भू परिष्करण प्रकार की बात करते हैं, सबसे पहले क्या आ गया, प्राथमिक भू परिष्करण। तो मैंने पहले तो आपको बताया था, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो बुवाई से पहले होता है वो प्राथमिक और बुवाई के बाद जो द्वितीयक है, ऐसा लिखा जाता है, बट ये बात बहुत गलत है, सरासर गलत है। बुवाई के पहले प्राइमरी यानी कि प्राथमिक भू परिष्करण भी होता है और द्वितीयक भी होता है, तो अब आपको समझाऊंगा कैसे होता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ना थोड़ा सा आइडिया देता हूं प्राथमिक और द्वितीयक में डिफरेंस क्या है। देखो प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण की बात करेंगे तो इसके अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, प्राथमिक भू परिष्करण हमारा जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जब जुताई करते हैं, बुवाई करते हैं, तो इसके अंदर जो आपकी प्रक्रिया है, जो क्रियाएं करी जाती है वो क्या होती है, वो मिट्टी को ज्यादा डिस्टर्ब करती है ना, बोला जाता है कि ये ज्यादा गहराई तक जाता है और मिट्टी को डिस्टर्ब भी ये ज्यादा करता है। और जो आपका सेकेंडरी टिलेज है वो ज्यादा गहराई तक भी नहीं जाता और डिस्टर्बेंस जो है मिट्टी के अंदर जो उथल पुथल है वो भी क्या करता है, कम करता है। तो एक चीज दिमाग के अंदर रख लो कि ज्यादा उथल पुथल हो रही है, ज्यादा गहराई में हो रही है तो प्राथमिक है, और अगर उथल पुथल कम है मिट्टी की और गहराई भी कम है तो वो कौन सा हमारा भू परिष्करण है, वो द्वितीयक भू परिष्करण हो गया। तो समझ पाए ना प्राथमिक और द्वितीयक, अब पढ़ भी लेते हैं। प्राथमिक के लिए क्या बोला गया, बोला गया प्राथमिक भू परिष्करण में बीज बोने तक की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। देखो अब फिर से बात घूम फिर के वही हिंदी वाली बातों पे आ गई है कि बीज बोने तक की सारी क्रिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि बीज बोने तक सिर्फ प्राइमरी ही या फिर प्राथमिक ही आएगा, इसमें द्वितीयक भी आने वाला आपको बताऊंगा। तो इसने बोला प्राथमिक भूपरिक्षण बीज बोने तक ही सभी क्रियाएं संपन्न होते हैं, मतलब जब आपने बीज की बुआई कर दिया, सीड सोइंग कर दिया, तो प्राइमरी खत्म हो चुका, अब प्राइमरी तो नहीं आ सकता है ना, अब जो आपका प्राथमिक है वो तो नहीं आ सकता, अब द्वितीयक आएगा। लेकिन बीज बोने से पहले भी द्वितीयक आता है, ये बात पक्की है। बोला गया जैसे, जैसे क्या है, जुताई करना, हल चलाना, खाद उर्वरकों को मिलाना। तो जो हम अलग अलग प्रकार के हल चलाते हैं, आपको हल के प्रकार भी बताने वाला हूं कौन कौन से होते हैं। तो आपको एक बार अंग्रेजी भाषा के अंदर बताता हूं जो आपको समझने के लिए सरल होगा, आसान होगा, फिर जो हमारे नाम है हलों के हिंदी के अंदर भी आपको बताता जाऊंगा। आप जैसे देसी हल, कंट्री प्लाव का नाम आपने सुना होगा, आपने MB प्लाव मतलब मोल्ड बोर्ड प्लाव का नाम सुना होगा, आपने चिजल प्लाव का नाम सुना होगा, अपने सब सोयलर का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आगे के हिंदी में बताने वाला हूं। ये जितने भी आपके प्लाव हैं, या फिर रोटावेटर, क्योंकि रोटावेटर को भी रोटरी प्लाव बोला जाता है, तो ये सारे के सारे हमारे किसका भाग है, प्राथमिक भूपरिष्करण का भाग है। मैं दिखाता हूं कौन कौन से, पहले पढ़ते हैं किससे, द्वितीय को बात कर लेते हैं। प्राथमिक तो आपने समझा क्या होता है, यहां पे आपने देखा भी था, देखो मिट्टी के अंदर ये इस टाइम पे डिस्क प्लाव चल रहा है ना, डिस्क प्लाव जो चल रहा है आपका मिट्टी के अंदर, ये क्या कर रहा है, डिस्क प्लाव मिट्टी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये किसका पार्ट है, ये हमारा प्राथमिक भूपरिष्करण का पार्ट है। जब बात करेंगे इसके द्वितीयक भूपरिष्करण की, हमारा द्वितीयक भूपरिष्करण क्या होता है, कहा गया प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद खड़ी फसल में कृषि क्रियाओं को करना। बुवाई से पहले प्राथमिक बोल रहा था, अब वो कहता है खड़ी फसल में करी तो द्वितीयक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया बुवाई होने से पहले जो आपने पाटा चलाया, जो कल्टीवेटर चलाए, जो हैरो चलाए, वो भी द्वितीयक का पार्ट है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जो कि किताबों के अंदर गलत लिखा गया है। बोला गया भूमि की पपड़ी को तोड़ने के लिए हैरो, देखो आ गया ना हैरो चलाना, निराई गुड़ाई करना, फसलों में मिट्टी चढ़ाना और कल्टीवेटर चलाना। तो देखिए भाई, आप कल्टीवेटर जब पढ़ेंगे तो मैंने दो बार नहीं तीसरी बार बोला, मैंने पहले ही बोला किताबों में लिखा जाएगा ये प्राथमिक का पार्ट है, हिंदी वाली, अंग्रेजी वालों में नहीं लिखा, अंग्रेजी वालों ने सही कर दिया, हिंदी वालों ने सही ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना उस बात को पढ़ते ही। कल्टीवेटर हो चाहे हैरो, कोई भी कितना भी कुछ पढ़ा रहा हो, कल्टीवेटर और हैरो जो है वो द्वितीयक का पार्ट है, वो प्राथमिक में नहीं जाते हैं। हाँ, आजकल ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी प्राथमिक भूपरिष्करण किए बिना हमारा जो किसान है वो सीधा द्वितीयक भूपरिष्करण से स्टार्ट कर लेता है, लेकिन इस बात को सारे लोग याद रखो कि भूपरिष्करण जो है वो ये द्वितीयक का ही पार्ट रहेंगे, ये प्राथमिक नहीं हो सकते। बस हाँ, ये हो सकता है कि प्राथमिक करो ही ना, सीधा सीधा कल्टीवेटर और हैरो से क्या कर लो, द्वितीयक भूपरिष्करण करो और फिर फसलों की बुवाई कर लो, ये जरूर हो सकता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, आप समझ के बोला गया भूपरिष्करण के यंत्र। अब आते हैं किस पे, आपके यंत्र पे। यंत्र मतलब कि हम कौन कौन से इंप्लीमेंट्स को या फिर कौन कौन से यंत्रों को उपयोग में लाते हैं किसमें, जब हम क्या करते हैं, भूपरिष्करण करते हैं, है ना। ओके, सो भूपरिष्करण की जब बात करेंगे, भूपरिष्करण यंत्रों की बात करेंगे, तो पहले आपसे पूछ लेंगे, वैसे तो मैंने आपको बता दिया लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए प्राथमिक भूपरिष्करण जो होता है, प्राइमरी टिलेज, उसके लिए कौन कौन से यंत्रों को उपयोग में लाया जाता है। एंड कोशिश कीजिए कि आप जब कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, तो ये हमारी हिंदी माध्यम की क्लास है तो हिंदी के अंदर ही आप कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आप भी समझ पाएंगे कि हम कहते तो हैं हिंदी माध्यम के छात्र लेकिन हम अंग्रेजी के हैं, है ना, हम तो हिंदी लिख नहीं पा रहे, मुश्किल से 40% बच्चे वो हैं जो हिंदी भाषा के अंदर लिख रहे हैं, 60% बच्चे तो आपके 60% जो बच्चे हैं वो तो अंग्रेजी भाषा के अंदर। अभी देखिए फिर से अंग्रेजी भाषा के अंदर कल्टीवेटर लिखा गया, अंकित राज प्रजापति जी लिख रहे हैं, चलिए प्रजापति साहब आपकी बात कंसीडर करते हैं, है ना। जब बात करें किसकी, आपके प्राथमिक भूपरिष्करण की, तो मैंने पहले ही बताया था कल्टीवेटर प्राथमिक का पार्ट नहीं है, गलत हो गया ये, है ना। रोटावेटर बिल्कुल आपने सही लिखा, रोटावेटर जो है वो हमारा प्राथमिक का पार्ट है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, है ना। उसके बाद लिखा ओल प्लाव स्टेटस अड्डा, ऐसा लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी अलग अलग प्रकार के प्लाव होते हैं ये सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं, प्राथमिक का। मिट्टी पलट हल बोला गया, बिल्कुल ये आपका क्या है, प्राथमिक का पार्ट है। देसी हल बोला गया, ये भी किसका पार्ट है, हमारा प्राथमिक का। और कोई हल भी है क्या, मिट्टी पलट हल आया, देसी हल आया, बस हिंदी वाले बच्चे दो ही शब्द लिख रहे हैं, कल्टीवेटर तो गलत है, इसको ध्यान रखें, है ना। रोटावेटर बोला गया, MB प्लाव बोला गया और देसी हल बोला गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। फावड़ा खुरपी लिख रहे हो तो ये तो प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक का पार्ट हो जाएंगे। कानपुर हल किसी ने लिखा है, तोता हल लिख रहा है कोई, ठीक है। और कोई
मिट्टी पलट रहे, चलो ठीक है आप यही लिखवा रहे हो, है ना, सब सोइलर लिखा है पुष्पेंद्र जी ने, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी प्राथमिक का पार्ट है। कुछ बच्चे बीच में क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, तो मैं बच्चों को बता दूं मैं आपके प्रश्नों का उत्तर करूंगा जब मैं एक बार पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हैं तो हो सकता है उन प्रश्नों का उत्तर पहले से ही हमारे लेक्चर के अंदर हो, अगर ना हुआ तो ये भाग वन है, फिर भाग दो भी आएगा, पूरा टिलेज हो जाएगा। और जब मैं आज का ये वाला हमारा जो कक्षा जो हमारी क्लास है उसको खत्म करूंगा तब आपको सारा का सारा बता दूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो आप एक बार, क्योंकि जब भी पढ़ें ये चीज भी हैबिट डालें, अपनी एक आदत डालें कि कॉपी और पेन को लेके रखा करें, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है ना, बच्चे घरों के अंदर बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे तो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता। मेरी जब शाम को क्लास चलती है जो रेगुलर बच्चों के लिए है, हम उनका कैमरा ऑन करवाते हैं, उनको पहले से बोलते हैं कि सामने बिल्कुल सही कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं, ना तो लेट के पढ़ना है ना बिना कॉपी किताब के पढ़ना है, हम तो बिल्कुल क्लासरूम जैसा करवा लेते हैं। लेकिन अब हो आप फ्री YouTube पे, है ना, YouTube मेरे को वो मेथड देता नहीं है कि मैं कैमरा ऑन करवाऊं, बच्चों को बिठाऊं, और बच्चे उतना डिसिप्लिन में रहते भी नहीं है YouTube पे, क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं होती है बच्चों की, बट हम 5 से 7 में करते हैं और उन बच्चों के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें, एक कॉपी और पेन को लेके बैठे, जहां पे भी आपको कोई संशय आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो उसको एक बार आप क्या कर लें, वहां पे नोट कर लें, जब क्लास खत्म होगी तब मैं आपसे सारे डाउट पूछूंगा। तो अब भूपरिष्करण यंत्रों की बात करें, सबसे वो लगे प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र। जब प्राथमिक की बात करेंगे, इसके कौन कौन से यंत्र होते हैं, प्राथमिक के अंदर सबसे पहले आ गया आपके मिट्टी को काटने वाले यंत्र, है ना, जैसे बोला गया देसी हल, यहां पे फोटो में देसी हल नहीं लगा हुआ क्योंकि उसने बोला मिट्टी को काटने वाले हल, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब बात करें किसकी, आपके अलग अलग प्रकार के हलों की, इस पर मत जाना भाई, ये जस्ट एक इमेज लगाई गई है, क्योंकि ये डिजाइनर लगाता है जो एमटेक है भाई हमारा, है ना, एग्रीकल्चर से नहीं है तो उसको नहीं पता क्या लगाना होता है। लेकिन आप ध्यान रखें, देसी हल की जब बात करेंगे, या फिर आपके जो कंट्री प्लाव की बात करेंगे, या फिर आपका जो क्या है देसी हल, है ना, कंट्री प्लाव बोलते हैं इसे, तो ये क्या कहता है, मिट्टी के अंदर चलता है, मिट्टी को काटता है बहुत ज्यादा। जैसे ही मिट्टी को काटता रहेगा वो क्या बन गया, मिट्टी काटने वाला यंत्र, और किसका पार्ट हो गया, प्राथमिक भूपरिष्करण का। उसके बाद मिट्टी पलटने वाले हलों की बात करते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल कौन से होते हैं, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप नोट कर लें पेन से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बोला गया मिट्टी पलटने के हल कौन से है, पंजाब हल है, UPN 1-2 और Victory 1-2, है ना, 1-2-1, ये जो तीनों प्रकार, 1-2 है, ये जो आपके तीनों प्रकार के हल हैं, ये क्या आपके मिट्टी को पलटने वाले हल है, लेकिन प्राथमिक भूपरिष्करण का पार्ट है, ये भी याद रखें। फिर आ गया आपके एक और दो हत्थे वाले हल, क्योंकि आपने देखा होगा एक हत्थे वाले, और जो इससे पहले आते वो बहुत पुराने थे, वहां पे दो हत्थे लगे थे उसको पकड़ने के लिए, आपने शायद ये नहीं देखा होगा, लेकिन उसमें दो हत्थे लगे होते थे। तो बोला गया एक हत्थे वाले हल, आपका देशी हल, शाबाश हल, और आपका मेस्टन हल जो होता है, ये तीनों क्या होते हैं, हमारे एक हत्थे वाले हल होते हैं। और जब बात करते हैं किसकी, आपकी दो हत्थे वाले हलों की, तो आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, वो देखो उसने जो पकड़ा हुआ है वो दो हत्थे से पकड़ा हुआ है, तो दो हत्थे वाले जो हल है वो क्या आपके UPN 1-2, Victory 1-2, और आपका पंजाब हल जो है, ये क्या है, दो हत्थे वाले हल आते हैं, पलटते ये भी मिट्टी को ही है, क्योंकि हमने इनका नाम पहले भी पढ़ा था, है ना, कहां पढ़ा था, यहां पे मिट्टी पलटने की बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक हत्थे वाले की और किसकी, आपके दो हत्थे वाले हलों की। ये किसका भाग है, ये किसका पार्ट है, ये हमारा प्राथमिक भूपरिष्करण का पार्ट है। आगे बोला गया शक्ति के आधार पर बैलों द्वारा चलाए जाने वाले हल, तो देशी हल, शाबाश हल जो है, ये हमारा क्या है, बैलों द्वारा चलाया जाने वाला हल है। आपने इसका नाम शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि क्या करें, हम जब सामने आते हैं तो हमें तो फिर वो कंटेंट सामने लेके आना है जो किताबों के अंदर ना छपा हो, तो गलतियां भी हम सही करते हैं और जो नहीं लिखा गया वो भी हम लिखते हैं, क्योंकि ये हम जो कक्षाएं आपको देते हैं, क्लासेस देते हैं, वो हम फोकस करते हैं हमारे हिंदी माध्यम के जो JET ICER और BHU वाले बच्चों के लिए, तो उन एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया ट्रैक्टर द्वारा, पहले तो बैलों वाली बात करें, बैलों द्वारा चलाए जाने वाले हल कौन से हैं, अब बात करते हैं ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले हल कौन से होते हैं। ट्रैक्टर द्वारा बोला गया यहाँ पे आपका डिस्क हल, जो आप सामने देख सकते हैं, फिर बोला गया आपका अनुप्रस्थ हल, तो डिस्क हल जो है, अनुप्रस्थ हल जो है, वो दोनों ही क्या होते हैं, आपका ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले होते हैं। और ट्रैक्टर जब चलाते हैं तो ट्रैक्टर ये खींचेगा, ये ज्यादा मिट्टी के अंदर क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, मिट्टी को ज्यादा ही क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, मृदा का जो क्या है, उथल पुथल है, वो ये ज्यादा करेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर से चलने वाले हैं। आ गया मोल्ड बोर्ड हल, मिट्टी पलटने वाला हल, है ना, तो MB प्लाव जो मोल्ड बोर्ड प्लाव है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, आप जो देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका मोल्ड बोर्ड हल है, मोल्ड बोर्ड प्लाव है, ये भी क्या करता है, अच्छा खासा मिट्टी को उलट पलट कर देता है,
तो मिट्टी को उलल पलट जब कर देता है तो ये आपका जो हल है ये क्या है, प्राथमिक भूपरिष्करण का पार्ट हो जाता है और इसे मिट्टी पलटने वाला हल या फिर मोल्ड बोर्ड हल कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको दो नाम और बताए थे, वो आप यह नोट कर सकते हैं, चिजल प्लाव और आपका सब सॉइल हल जो है ना, चिजल हल और जो सब सॉइल हल है ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे प्राथमिक भूपरिष्करण में काम आते हैं। तो आप समझ गए प्राथमिक में कौन कौन से यंत्र काम आते हैं, आपने देखा प्राथमिक क्या होता है और प्राथमिक के अंदर कौन कौन से यंत्र काम में लाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, अब प्राथमिक के बाद बात करते हैं किसकी, आपके द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्र, है ना। जब बात करें किसके, आपके द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्रों की, तो देखिए जरा द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्रों में कौन कौन से यंत्र आते हैं। बोला गया इसके यंत्रों में सभी प्रकार के, अब देखिए इनको ध्यान रखना भाई, सभी प्रकार के हैरो, कल्टीवेटर, खुरपी, फावड़ा। खुरपी फावड़ा तो खैर आप समझते थे, लेकिन जितने भी हैरो और कल्टीवेटर है ना, इसको बच्चों सारे याद रखें, जितने भी प्रकार के आपके हैरो और कल्टीवेटर हैं वो किसका पार्ट होते हैं बच्चों, ये आपके द्वितीयक भूपरिष्करण मतलब सेकेंडरी टिलेज का पार्ट होते हैं। ये बात आपको आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं और जाके पढ़ेंगे तो कन्फर्म बता रहा हूँ ऐसा होने वाला है कि वहां पे क्या होगा, वहां पे आप देखेंगे ये कल्टीवेटर को प्राथमिक भी लिखा जाएगा हिंदी वाली किताब में। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, हमें ऐसा नहीं करना कि जहां पे जो भी लिखा गया वही पढ़ते रहे, हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हम वो पढ़ेंगे जो क्या हो, जो सही हो, ठीक है। आगे चलता हूं, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्रों की, जो द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्र है वो हमारे कौन कौन से होते हैं। ओके, तो बच्चों जब द्वितीयक भूपरिष्करण की बात करता हूं, पहले तो आपने सामने ही देख लिया कि यहां पे बोला गया जितने भी प्रकार के क्या हैं, आपके हैरो हैं, कल्टीवेटर है, खुरपी है, फावड़ा है, ये सारे क्या है, द्वितीयक के यंत्र है, है ना। ओके, तो यहां पे देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले आपके आगे हैरो, एक होता है आपका डिस्क हल और एक होता है आपका डिस्क हैरो, है ना। तो यहां पे डिस्क हल नहीं है, ये आपका डिस्क हैरो है। डिस्क का मतलब क्या होता है, वो जो नीचे गोल गोल आपको डिस्क दिख रही है ना, वो टायर जैसा जो है, टायर तो नहीं है वो क्या है आपका डिस्क है ना। तो ये जो डिस्क आपको दिख रही है ये क्या है, डिस्क हैरो है। और इससे पहले आपने जो देखा था मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये आपका क्या होगा, ये आपका डिस्क हल है ना, डिस्क हल। एक और भी आपने देखा था वो भी आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे कहीं पे था आई थिंक, ये देखिए है ना, ये भी हमारा क्या है, ये भी डिस्क हल है। तो आप ध्यान रखें ये गोल गोल है लेकिन ये डिस्क हल है, मिट्टी में ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगा, मिट्टी में ज्यादा उथल पुथल मचाएगा, ये वाला भी डिस्क हल है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं डिस्क हल नहीं है, ये क्या है बच्चों, ये आपका डिस्क हैरो है। ये समझने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्क हल अलग होता है और डिस्क हैरो जो होता है वो अलग होता है। डिस्क जिसे आप तवा कह देते हैं, बिल्कुल ठीक है अंकित जी ने बताया इसे तवा कहते हैं, तो आप इसे तवा कहिए, लेकिन आप ये जो तवा है ना ये यहां पे अलग है और वहां पे कुछ अलग था। कहां पे, यहां पे देख लीजिए, यहां जो तवा होता है ना, जो डिस्क होते हैं थोड़ा सा झुका होता है, मुड़ा सा होता है ना, और इसके जो तवे होते हैं ये एकदम बिल्कुल सीधे होते हैं जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो ये हमारा डिस्क हल नहीं है बच्चों, ये हमारा क्या है, डिस्क हैरो है। क्या सारे लोग डिस्क हल और डिस्क हैरो के अंदर जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको समझ पाए, यस और नो लिख दीजिए। उसके बाद फिर कल्टीवेटर वाले पॉइंट पे चलूंगा, कल्टीवेटर क्या होता है, लेकिन ये समझना जरूरी था कि डिस्क प्लाउ क्या है और डिस्क हैरो क्या है। क्या सब लोग समझ गए, हाथ सारे लोग लिख दीजिए, उसके यस और नो लिखे, उसके बाद फिर आगे चलता हूं। पुष्पेंद्र जी ने लिखा कि हल जो है उस पर एक ही बीम होता है, ये वाली बात भी ठीक है। आप देखिए यहां पर जो हल है ये एक ही बीम के ऊपर है, बीम का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हमारे जो तवे होते हैं लगे होते हैं, जो डिस्क लगी होती है वो बीम होता है, यहाँ पे एक ही बीम है। लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये जो है ये एक बीम पे और उधर जो है वो दूसरी बीम के ऊपर है, तो आपका जो डिस्क हैरो होता है उसके अंदर दो बीम होती है और जो आपका डिस्क प्लाव होता है उसके अंदर क्या होती है आपकी एक बीम होती है बच्चों, है ना। तो जब बात करेंगे हैरो की, सब लोग समझ गए कि डिस्क प्लाव और हैरो में क्या अंतर है। अब आगे चलता हूं, हैरो के लिए बोला गया ये द्वितीयक भूपरिष्करण को, द्वितीयक भूपरिष्करण का मुख्य यंत्र है कौन, आपका हैरो। डिस्क हैरो, कमानीदार हैरो, लीबर हैरो और आपका तिकोनिया हैरो या फिर ब्लेड हैरो जो है वो मुख्य प्रकार के आपके हैरो है, जिसे हम द्वितीयक भूपरिष्करण में उपयोग में लेके आते हैं। ये तो बात हुई हैरो की, आगे कौन सा आ गया, कल्टीवेटर। अब बच्चों कल्टीवेटर मैंने बार बार आपको बताया कि कभी कभी ये प्राइमरी में भी यूज हो सकता है। अब बात ये आती है कि सर ये प्राइमरी मैंने गलत लिख दिया भाई, है ना, मैं यहाँ पे प्राइमरी नहीं, मैं इसे प्राथमिक लिखना चाहूंगा, है ना, थोड़ी मेरी हिंदी बहुत अच्छी है
जब बात करें किसकी, आपके प्राइमरी या प्राथमिक की, तो बच्चों हमारा प्राइमरी या प्राथमिक क्या होता है, आपके प्राइमरी और प्राथमिक की जब बात करेंगे तो प्राइमरी और प्राथमिक वाले केस में क्या होता है, जब बात करेंगे आपके कल्टीवेटर की, ये है तो किसका पार्ट, हमारे द्वितीयक का पार्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो इसे प्राइमरी में प्राथमिक में उपयोग में ना लाके द्वितीयक में उपयोग लाते हैं, वो अलग बात है कैसे ला रहे हो, लेकिन सीधी सी बात है, हमने बोला कल्टीवेटर जो है वो द्वितीयक का पार्ट है, लेकिन सर ये प्राथमिक कैसे हो सकता है, समझाता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्राथमिक भू परिष्करण क्रियाओं को ना करके सीधा ही क्या कर देते हैं, द्वितीयक भू परिष्करण की क्रियाएं करते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया कि प्राथमिक को छोड़ दिया और सीधा सीधा क्या किया, द्वितीयक ही किया, तो प्राथमिक आपने छोड़ दिया, द्वितीयक आपने कर दिया, तो मतलब कल्टीवेटर को आपने प्राथमिक की जगह पर यूज कर लिया। तो देखो कल्टीवेटर प्राथमिक है नहीं, कल्टीवेटर क्या है, प्राथमिक की तरह यूज किया गया, लेकिन वो प्राथमिक का पार्ट नहीं है। बोला कल्टीवेटर यह मुख्यतः द्वितीयक भू परिष्करण के लिए उपयोग में लिया जाता है, परंतु इसे कभी कभी प्राथमिक भू परिष्करण के काम में भी लिया जाता है, या खड़ी फसल में निराई गुड़ाई के लिए उपयोग में लिया जाता है ना, ये जो है खड़ी फसल में निराई गुड़ाई के उपयोग में लाया जाता है। फिर बात करते हैं हो की, हो जिसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो वहां हम लोग इसे हो ही पढ़ देते होंगे, HOE लिखा था, इट इज हो, है ना, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। हो की जब बात करते हैं ये क्या होता है, यह है एक छोटा यंत्र, आप इसको देख के ही समझ सकते हैं ये कैसा काम करेगा, और आपको देख के ये भी समझ आ रहा है कि ये प्राथमिक का पार्ट है या फिर ये द्वितीयक का भाग है। आगे चलते हैं, हम सेम लेक्चर को कंटिन्यू भी रखेंगे, लेकिन कुछ एक मुख्य बिंदु आपको बता देता हूं, कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके मैन्योर फर्टिलाइजर से या फिर आपके टिलेज वाले पार्ट से रिलेटेड हैं, है ना, जो हमारे जेट आईसीआर और बीएचयू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर इसका जो पार्ट है मैं क्या करूंगा, आज मैंने थोड़ा सा कम क्यों करवाया, क्योंकि आपके माइंड में आज बहुत सारे डाउट आने वाले हैं जो हिंदी की किताबें पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो नहीं आएंगे, हिंदी वालों को डाउट आने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, आज इस लेक्चर का PDF आपको दे दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल आप सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप प्लीज जुड़ जाइए, वहां पे एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से है, आप जाके लिखें कहीं पे भी एग्री कोचिंग, बस उतने में ही सबसे पहले चंडीगढ़ ही आना है, आप बच्चों का प्यार इतना है कि सबसे ऊपर हमें ले आता है, तो आप बस एग्री कोचिंग चंडीगढ़ लिखें, सामने चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें टेलीग्राम के ऊपर जाके, टेलीग्राम ऐप आपके पास नहीं होगी तो उसे डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम को, बिकॉज उस चैनल पे हम बहुत कुछ शेयर करते रहते हैं, एक दिन के अंदर 20-30-40 क्वेश्चन हम डालते हैं, PDF नोट्स भी डालते हैं, जो अखबारों की कटिंग होती है वो भी डालते हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, है ना। तो मैं आज क्या करूंगा, इस लेक्चर का PDF वहां पे डाल दूंगा, बाकी हमारी गंगानगर ब्रांच और जयपुर ब्रांच के जो बच्चे हैं वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको वो PDF दे देंगे, और साथ साथ क्या करेंगे 2-3 दिन बाद, क्योंकि टाइम लगेगा यार हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश के नोट्स हमारे पास है, हिंदी कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन कन्फर्म इस बार करवा दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपके किताबों में गलतियां ज्यादा है, तो 2-3 दिन बाद इसके क्या दे दूंगा, आपको नोट्स दे दूंगा, और फिर क्या करना, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ के आना, तो अगले रविवार जब सुबह 10 बजे आऊंगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सारा टिलेज जो है वो डिस्कस भी कर लेंगे, उसे खत्म भी कर देंगे, और आप काफी कुछ नई बातें भी सीख जाएंगे जो गलत नहीं होंगी, जो सही होंगी। तो नोट्स के लिए मैसेज मत करना, 3 दिन के बाद दूंगा, PDF आज ही दे दूंगा 2-3 घंटे के बाद टेलीग्राम चैनल पे। अब कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं, बोला गया राजस्थान में यूरिया निर्माण का जो कारखाना है, है ना, जो आप चंबल फर्टिलाइजर जानते होंगे, चंबल फर्टिलाइजर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो कोटा के अंदर है, और कोटा जो है वो अच्छा खासा यूरिया फॉर्मेशन करता है, तो आपका जो यूरिया निर्माण का कारखाना है वो कहाँ पे है, कोटा में। राजस्थान में DAP निर्माण का जो कारखाना है वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और राजस्थान में चंबल उर्वरक व केमिकल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर प्लांट भी है, और कोटा के अंदर क्या इसका मुख्यालय भी है चंबल फर्टिलाइजर का। एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, बता पाओ तो बता देना, बोला यूरिया निर्माण का कारखाना यहाँ पे है, DAP निर्माण का कारखाना यहाँ पे, यूरिया मतलब किसकी बात कर रहा है, यूरिया मतलब नाइट्रोजन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन की बात कर रहा है, DAP मतलब फास्फोरस की बात कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा डाउट है, यहाँ पे पोटाश का कारखाना क्यों नहीं लिखा गया, है ना, ऐसी क्या दिक्कत है कि राजस्थान के अंदर पोटाश का निर्माण हम नहीं कर रहे हैं, पोटाश वाले उर्वरकों का निर्माण हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये वाली बात मैंने आपको जो हमारा पिछला लेक्चर था, पिछले से पिछला मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वहां पे आपको बताया भी था कि इंडिया के अंदर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले वो ऐसे ऐसे होते हैं और पोटाश वाले ऐसे ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपके उत्तर के बाद। तो आप लोग लिखें, अगर बात करें किसकी, आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस की, ये तो हमारे यहां पे होता है,
लेकिन जो आपका पोटाश वाले उर्वरक है वो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होते, आप लिखिए। उसके बाद शुरू करेंगे आपका अगला पार्ट, अगला सेशन जो कि आपका होगा डाउट सेशन। जो भी आपके माइंड में डाउट होंगे उनके दो उत्तर दूंगा, दो उत्तर का मतलब या तो वो अगले भाग के हैं तो वहां पे बताएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में कोई भी डाउट रहा हो, है ना, तो प्लीज आप जितने डाउट चाहे पूछते रहे, डाउट से हमें डर नहीं लगता, लेकिन बच्चे ना समझ पाए इससे बड़ा डर लगता है हमें, है ना। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे बच्चों को छोटी छोटी चीज समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आई है तो प्लीज आप अपने डाउट लिखना, लेकिन एक बार मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने बोला कि जो पोटाश या उर्वरक है, है ना, उनको उनका जो क्या है उनको हमने क्यों नहीं बनाया। दो फैक्ट्रियों की बात तो मैंने बताई राजस्थान में, लेकिन मैंने पोटाशियम उर्वरकों की फैक्ट्री क्यों नहीं बताई। चलो आप सब लोग करेक्ट है, सब लोग ठीक लिख रहे हैं। जब पोटाशियम उर्वरकों की बात करेंगे बच्चों, तो जो पोटाशियम उर्वरक है ना वो फैक्ट्री कहाँ से बताओ, वो इंडिया के अंदर बनते ही नहीं है। उनको हम क्या करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से आयात करते हैं, है ना। क्या किया जाता है, दूसरे जो देश है वहां से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, मतलब बाहर से मंगवाते हैं। तो आयात क्यों करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे बनते ही नहीं है। जब हमारे यहाँ पे बनते ही नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से लेके आएंगे, फिर तो पॉसिबल नहीं है ना। जब बनेगा ना तो फैक्ट्री कहाँ से आ जाएगी। तो जितने भी पोटाशिक उर्वरक है, पोटाश वाले फर्टिलाइजर, जो पोटाश वाले उर्वरक है उनको हम निर्माण नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे निर्माण करने के लिए जो हमें मिनरल चाहिए, जो सोर्स चाहिए, जो स्रोत चाहिए, वो स्रोत भारत देश के अंदर नहीं है। तो हम इसे अलग अलग देशों से क्या करते हैं, अपने देश के अंदर आयात करते हैं, या फिर ये कह दीजिए इम्पोर्ट उसे किया जाता है। इसी लिए आयात करते हैं तो खर्चा ज्यादा आता है उन पे। तो आपने देखा होगा भारत देश के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपैरेटिवली जो सबसे ज्यादा महंगे हैं वो कौन से, आपके पोटाशिक। तो पोटाशिक फर्टिलाइजर, पोटाशिक उर्वरकों के महंगे होने का कारण ही यही है कि वो क्या है, वो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर है, उन्हें इंपोर्ट किया जाता है भारत देश में, राइट। यहां पे लेक्चर हमारा ओवर होता है, डाउट्स आपके स्टार्ट होते हैं। इस लेक्चर में जितना पढ़ाया गया, किसी का कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप शुरू हो जाएं। अगले 5 से 10 मिनट के लिए लाइव रहूंगा, फिर अगली क्लास है 11 बजे, उसे भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगली क्लास वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, हमारी आरआरबी एसओ के जो बच्चे हैं फाइनेंशियल अवे, है ना, उनके लिए। तो एक हमारा शाम में लेक्चर है और एक अभी हमारा लेक्चर है। तो अगर कोई डाउट है आपका इस लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज आप लिख दीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे। हाँ ठीक है सर, जीके विद एम के भी आप लिख रहे हैं, देशी हल वी आकार का होता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। देशी हल जो नीचे कटिंग ब्लेड के लिए अगर आप बोल रहे हैं उसका, तो वी आकार का हो सकता है। करण जी कहते हैं आज का पूरा समझ में आ गया, अच्छी बात है करण जी, बस आप ऐसे ही लगे रहिए। हम तो यही मानते हैं कि आपको आपकी मंजिल मिल जानी चाहिए, कैसे भी मिले, हमसे पढ़ के मिले, खुद से पढ़ के मिले, लेकिन बस मंजिल मिलनी चाहिए, वो पक्की बात है। आप खुद पढ़ लें, हमसे पढ़ लें, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंजिल मिलना ये बहुत जरूरी है। तो जिस एग्जाम के लिए अब लगे हुए हैं ना, मेहनत के साथ लगे रहिए। ओके, अनुज कुमार जी ने कहा कल्टीवेटर कैसे द्वितीयक है, खड़ी फसल में कैसे काम करेगा। देखो अनुज कुमार जी, कल्टीवेटर जो है वो खड़ी फसल के लिए बने हुए हैं सर। अगर खड़ी फसल की बात करेंगे, अगर गन्ने के अंदर आपने मिट्टी चढ़ानी है तो गन्ने के अंदर मिट्टी चढ़ाई जाती है कल्टीवेटर को यूज करके, तो वो खड़ी फसल को बर्बाद नहीं करता, उसे पंक्तियों के अंदर चलाया जाता है। जब वो पंक्तियों के अंदर चलेगा तो मिट्टी ऊपर चढ़ा देगा, किसी प्रकार का हमारी जो फसल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत सारे कल्टीवेटर बहुत सारी फसलों के अंदर क्या किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, और वो खड़ी फसलों में प्रयोग में लाए जाते हैं, और कल्टीवेटर द्वितीय का ही पार्ट है, आप चिंता ना करें, वो बर्बाद नहीं करेगा फसल को। पाटा बता दे सर, पंडित जी ने लिखा है पाटा। पंडित जी पाटा कुछ ऐसे है कि जिसे हम लेवलर बोलते हैं, वो लकड़ियों के दो गट्ठों का बना होता है, उसे क्या बोल देते हैं, उसे पाटा कह दिया जाता है। मैं काम करता हूँ, आप कुछ ऐसे डाउट्स बोल रहे हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखा सकूं। मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि चीज़ों की लिमिटेशन है, बट स्टिल हम ट्राई करते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे बच्चे आगे जाते रहे। तो रुकते तो हम नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ अगर ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक मिनट का टाइम दे मुझे। ओके, शायद हो सकता है। देखिए जरा मैं आपको सामने दिखाता हूँ। आपने बोला कि कल्टीवेटर, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कल्टीवेटर इन स्टैंडिंग क्रॉप। आप जरा सामने देखिएगा, जिन बच्चों का भी डाउट था आप देख पाएंगे, कल्टीवेटर जो है वो हमारी खड़ी फसल के अंदर अच्छा खासा चल जाता है।
है ना। आप यहाँ पे देखिए टिलेज के टाइप में, चलो यहाँ तो भू परिष्करण कर रहा है, लेकिन अगर मैं कल्टीवेटर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिखाया गया ना, वो किसी भी प्रकार का है लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर है ना। मैं यहाँ पे शुगर केन देखता हूँ, शुगर केन के अंदर तो कितना ही यूज किया जाता है यार, मिट्टी को चढ़ाता है भाई वो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप है वहां पे क्या करते हैं हम कल्टीवेटर को उपयोग में लाते हैं। टिलेज इन स्टैंडिंग शुगर केन क्रॉप, जरा यहाँ पे देखिए, अब आपको इमेज से समझ आ रहा होगा। ये देखिए क्या ये खड़ी क्रॉप के अंदर चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है। अब आप क्लियर हो गए ना कि खड़ी फसल्स के अंदर भी चलाया जा सकता है। चलो अब आगे चलेंगे, और कोई डाउट किसी का? देख लिया ना आपने, पाटा मैंने आपको बता दिया, पाटा जो है वो लकड़ी का बना होता है ना, उसे पाटा कराहा सुहागा कुछ भी बोल देते हैं। कल्टीवेटर ये मैंने बता दिया। अनु जी बार बार ना लिखें यार, एक बार लिख लें ताकि बाकी बच्चों का भी आंसर कर पाए यार, ये गलत बात है, आप तीन चार बार लिखते तो टाइम जाता है ना। रजनीश जी कहते हैं पूरा समझ आ गया, धन्यवाद सर रजनीश जी, थैंक यू सो मच, बस आप ऐसे ही लगे रहिए। अनुज कुमार जी ने बहुत बार लिख दिया यार सर, रोटावेटर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में, हाँ बिल्कुल, आप एसके आपका नेम है, आप सही कह रहे हैं, रोटावेटर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में उपयोग में लाया जाता है। रिवर्सिबल एमबी प्लाउ कैसे काम करता है? देखो वो दो डायरेक्शन के लिए बना हुआ है ना, तो वहां पे क्या होता है जो ऊपर के और नीचे के जो कटिंग ब्लेड है वो ऊपर नीचे होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, है ना। मैं कभी आपको उसका फंक्शन दिखा दूंगा, अभी तो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज लेक्चर के अंदर समझाना होता है, तो अभी के लिए तो वो समझाएंगे जो हमारे बच्चों के एग्जाम में आने वाला है, लेकिन कभी आपको दिखा देंगे कि रिवर्सिबल कैसे काम करता है। डीडीए में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? डीडीए के लिए हमारी क्लासेस हैं यूट्यूब के ऊपर, आप पिछले वीडियो देखिए, वहां पे डीडीए क्लासेस हमने डाली हुई है। आईसीआर में भी जो भी आता है उसका सारा पीडीएफ अपलोड करें। अंकित कुमार जी ऐसे पीडीएफ अपलोड नहीं होते जनाब, है ना, जितना आता है हम ट्राई करते हैं कुछ पार्ट करवाएं, क्योंकि ये क्लासेस हमारी एग्री कोचिंग गंगानगर और जो हमारा एग्री कोचिंग जयपुर है उन ब्रांचेस के बच्चों के लिए बनी है, तो हम उन बच्चों के लिए जितना पेपर में आता है उनको दे चुके हैं, और जो एक्स्ट्रा हम दे पा रहे हैं वो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना सिखाते सर आपके लिए, थैंक यू सो मच रविशंकर मिश्रा जी, अच्छा लगा आपके इन शब्दों को पढ़ के। एमएससी एंट्रेंस की क्लासेस कितने मंथ की हैं और कब से चलेंगे? ऑलरेडी चल रही है ललित जी, ये सारी बातें ना पूछें, आप जस्ट हमें कॉल कर लें हमारे नंबर पे, वहां पे आपको बताएंगे, यहाँ पे बस आप डाउट पूछें। कृषि स्नातकधारी छात्र के लिए डबल एससी जॉब के लिए बहुत अच्छी वाहक है, ओके थैंक। रीपर कहा जाता है फसल, ठीक है ओके। एएफओ प्री के लिए न्यू बैच 10 से स्टार्ट हो रहा है, एएफओ की बातें ना करें प्लीज यार, हिंदी वाले बच्चे हैं तो आप क्लासे व्लासेस की बात ना करें, प्रमोशन मुझे बिल्कुल नहीं करना यूट्यूब के थ्रू, मुझे जस्ट मेरे बच्चों का सिलेक्शन करवाना, उनका भी जो पे कर पाते हैं मुझे, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनका भी सिलेक्शन जरूरी है, तो ये सब आप फ़ोन पे पूछा करें, मेरी क्लास में नहीं पूछा करें, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा के जाऊँगा। अपने भारत में काउ मिल्क कितना परसेंट है? मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का परसेंट पूछ रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर काउ कितना कंट्रीब्यूट करती है वो पूछ रहे हैं? क्योंकि काउ मिल्क की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट रैंक है, लेकिन काउ मिल्क प्रोडक्शन में हमारा सेकेंड रैंक है, फर्स्ट जो है वो यूएसए आ जाता है। टिलेज मृदा कटाव कैसे रोकती है? निकिता मैम टिलेज बहुत ईजी है रोकना, देखो जब आप हल चला दोगे, काम करो एक खेत को इमेजिन करो जिसपे हल चलाए हुए हैं और एक जिसपे हल नहीं चलाए हुए, आप जिसपे हल चलाएंगी तो पानी अंदर चला जाएगा और पानी अंदर चला गया तो बह के बाहर नहीं जाएगा, जब बह के बाहर नहीं गया तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका टिलेज जो है वो क्या कर देगा, मृदा कटाव को कंट्रोल कर देगा। रामानंदन जी ये सारा पेमेंट एंड फी रिगार्डिंग आप नंबर पे कॉल करिए सर, नंबर कुछ लोग लिख रहे, मैं काम करता हूं आपको नंबर बता देता हूं भाई, नंबर हमारा जो है आप नंबर नोट कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो मैं यहां पे कलर कौन सा चलाऊं जो दिख जाए सभी को, 9828227, जो भी क्वेरी है सर आप यहां से ले, क्लास में नहीं लेना, क्लासेस हमारी बच्चों को पढ़ाने के लिए विदाउट एनी प्रमोशन। भारत में ओके ये भी हो गया, न्यू बैच 10 अगस्त से ओके ये भी हो गया, डीएसडीजी यू आर बेस्ट बिकॉज यू बेस्ट ओके, विवेक गुर्जर जी थैंक यू सो मच, है ना। मैं बेस्ट नहीं हूँ भाई, मैं सीधी बात बताऊँ यार, ना मुझे कुछ ज़्यादा आता है, बस मुझे तो आप लोगों का ये इतना प्यार मिल जाता है तो मैं बड़ा मोटिवेट हो जाता उन चीज़ों से, और बेस्ट बेस्ट नहीं है, बेस्ट आप लोग हैं, है ना, आप लोग भी अपने अंदर की प्रतिभा को पहचाने, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो किसी से आगे या पीछे है, बस आगे पीछे हुआ है जिसने जितनी मेहनत करी उतना आगे, जिसने जितनी मेहनत कम करी उतना पीछे, तो मेहनत में कमी मत आने दीजिए, आप भी एक दिन ऐसे ही बेस्ट बनेंगे।
गुरुजी हिंदी में नोट्स भेजना अगली क्लास का, अगली क्लास रविवार को सुबह 10 बजे, नोट्स आज टेलीग्राम चैनल पे, और आपके टीलेज के नोट्स जो है वो 3 दिन के बाद प्रॉपर नोट्स जो होंगे वो सेंड कर दूंगा, ये जो आज पढ़ाया ये आपको आज ही सेंड कर दूंगा। कुलदीप चौधरी जी थैंक यू सो मच आपके शब्दों के लिए। रीपर किस में आते हैं? रीपर की बात करेंगे तो रीपर जो है वो टिलेज का पार्ट नहीं है, वो तो हार्वेस्टिंग करता है, कटाई करता है, तो उसे टिलेज मत मानिए। मैंने शुरू में आपको बताया टिलेज का मतलब मिट्टी को डिस्टर्ब करना, रीपर कहाँ डिस्टर्ब करता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अरे बच्चों यार बहुत सारे डाउट्स आ गए आपके यार, चलो मैं ट्राई करता हूँ पढ़ता जाऊँ आपके जो डाउट्स हैं वो। पैडी वाइटर, वाइटर नहीं होता यार, पैडी वीडर कह सकते हो या फिर पैडी ट्रांसप्लांटर होता है। प्लीज़ अपलोड दिस वीडियो, आदित्य जी कह रहे हैं अपलोड दिस वीडियो, ये तो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर विजय जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच। सर कोचिंग फीस 4 बार में दे सकते हैं? सर मैंने नंबर दिख दिया, रामानंद जी आप कॉल कर लें यार, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। माफ़ करना कमेंट नहीं पढ़ पाते, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, आप माफ़ी मत मांगिए, आप हमारे छोटे भाई, आप हमारे बच्चे हैं, माफ़ी मांगते हो आप अच्छे नहीं लगते हैं, आप जो भी है बस लगे रहें, हमारा फ़र्ज आपको सिखाना, कहीं पे आप गलत होंगे तो टोक हम दिया करेंगे आपको, बस अगली बार से फिर आप सुधर जाएं, इतना सा करें, बट माफ़ी क्यों मांगेंगे यार, हम कोई पराए थोड़ी हैं। प्लीज़ अपलोड दिस वीडियो, ओके आपका प्यार और आशीर्वाद, ठीक है थैंक यू सो मच प्रवीण जी, हम हमेशा आपके साथ हैं, कभी कमी नहीं आने देंगे हमारी साइड से। ओके चलिए, रक्षाबंधन भाई कुलदीप जी लिखते हैं, ओके कुलदीप जी जीएम फसलों के बारे में बताएं। शिवम पांडे जी जीएम फसलों के बारे में डेफिनेटली बताएंगे, आप एक काम करिए पिछले 2 शनिवार के लेक्चर छोड़ के उससे पिछले पे जाइए, वहाँ पे जीएम सीड जीएम क्रॉप सारा बताया गया है पूरी विस्तृत जानकारी के अंदर, एक बार उस लेक्चर को देखें, वो शनिवार वाला हमारा 5 बजे का लेक्चर है उसमें बताया गया है। आज कुलदीप जी ने बहुत सारे कमेंट्स लिख दिए आप सभी लोगों के लिए, हमारे लिए भी, कुलदीप जी हमारी सबकी साइड से आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थर्मल कंडक्टिव टिले से क्या होगी? सर थर्मल कंडक्टिव जो है टिले से, आप पिछले लेक्चर में बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी टिलेज की बात करेंगे तो टिलेज क्या होगा, टिले पोर स्पेस को बढ़ाएगा और थर्मल कंडक्टिविटी कम कर देगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें हैं सर, इतनी स्टडी ईजी है ना, करने लगो तो पता ही चलता कब हो जाती है, लेकिन करने लगो तब तो पोर स्पेस बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, टिलेज करने से पोर स्पेस बढ़ जाता है तो टिलेज से थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। चलो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा नहीं है, हम बच्चों को खराब नहीं करते हैं, बच्चों का सिलेक्शन करवाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के ओपन कर देना, चैट के लिए अलाउ कर देना, मतलब बच्चों को बेचारों को पीछे ले जाना कॉम्पिटिशन में, हम ये गलत काम कभी नहीं करते हैं, है ना, ओपन ग्रुप हम कभी नहीं देते, हम क्लोज ग्रुप देते हैं, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे चैट नहीं हो सकती है लेकिन हमारे मैसेज वहाँ पे आते रहेंगे, बस हम इतना चाहते हैं कि अब समय बर्बाद ना करें, जो मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे होंगे आप थोड़ा ध्यान रखें, व्हाट्सएप ग्रुप सबसे बड़ी बर्बादी का जरिया है, ये बच्चों को बर्बाद कर रहा है क्योंकि बच्चे सारा दिन उसमें लगे रहते हैं, 2 घंटे की चैट के बाद 5 मिनट का वो सीख पाते हैं, तो अगर आपको डाउट करना हो ना, डाउट डिस्कशन करना हो तो भाई वीडियो कॉल पे करें, फ़ोन कॉल पे करें, साथ में बैठ के करें अगर कोरोना वाला इशू रिजोल्व हो जाए, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर कभी ना करें, व्हाट्सएप ग्रुप सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है, मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 4 सालों के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिसे मैं ओपन रखूँ, मैं क्लोज रखता हूँ ताकि बच्चे चैट के अंदर उसमें अपना समय बर्बाद ना करें। चलिए अब आपके डिस्क एंगल कितना होता है, 15 से 25 डिग्री आपका क्या होता है जो टिल्ट एंगल होता है, और जो 45 डिग्री होता है वो हमारा क्या होता है डिस्क एंगल, तो टिल्ट 15 से 25 और जो डिस्क एंगल है वो 40 से 45 होता है। आप मेरा आंसर नहीं दे रहे हैं सौरभ वर्मा जी, कमेंट्स थोड़े ज़्यादा आप दोबारा लिख दें, लास्ट आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, आप लिख दीजिए फिर आपका आंसर करूँगा और क्लास को ख़त्म कर दूंगा, और ऐसे ना कहीं मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं सारे आंसर देता हूं यार, लेकिन आप देखिए कमेंट्स ज़्यादा होते हैं फिर पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और कभी कभी मिस हो जाते हैं, आप लिखिए जल्दी से, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। उससे पहले सरोजन ने लिखा सर टिले से इरोजन बढ़ जाता है क्योंकि सोयल लूज हो जाती है, डाउट। सरोज कुमार जी मैंने आपको बोला पानी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसकी, आप बात कर रहे हैं विंड इरोजन की, मैं बात कर रहा था वाटर इरोजन की, तो वाटर इरोजन कम हो जाएगा और विंड इरोजन बढ़ जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखें चीज़ों को जैसे पढ़ते हैं तो एनालाइज करना भी सीखें, आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, लेकिन आप विंड इरोजन की बात कर रहे हैं वहाँ पर पानी का जिक्र आया था, तो सर पानी से कभी हवा अपरदन नहीं हो सकता, वो तो फिर विंड इरोजन नहीं वो वाटर इरोजन है, तो वाटर कंट्रोल होगा 101%।
अब देखो सौरभ जी ने लिखा मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं और अभी तक मुझे सौरभ जी का कोई भी कमेंट नहीं दिख रहा है। सर मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ बस, उसके बाद चला जाऊँगा क्योंकि मेरी क्लास का ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मैं लेट हो रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं हमें, थैंक यू सो मच रामानंद जी। सौरभ जी कहाँ पे हैं? नहीं भाई, अब सौरभ जी ने गलत बात तो लिखी, बट सर मैं हिंदी में क्लास, सर हिंदी में क्लास मिलेगा? बिल्कुल सर, हिंदी में तो करवाते हैं, मैं हूँ ही हिंदी माध्यम का छात्र यार, मुझे अंग्रेजी भाषा आती नहीं है, मैं जब पढ़ाता हूँ हिंदी में पढ़ाता हूँ, बस हिंदी पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। अब कल 5 बजे वाली क्लास हमारी देख लीजिए, बस उस तरह से हिंदी में पढ़ाया जाता है। अब मेरा टाइम हो चुका है, मुझे अगली क्लास में जाना है, तो अभी के लिए चलता हूँ, फिर से आपको मिलूँगा रविवार को, है ना। आप एक छोटा सा काम कर दे, आपके जो भी भाई बहन होंगे, है ना, जो लोग एग्रीकल्चर से हैं, तो आप उनको हमारे चैनल का लिंक या फिर इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि हम जब भी हेल्प करना चाहें बच्चों की, तो हमारी जो हेल्प है वो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज़ लोगों का इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। क्योंकि हम हर सैटरडे संडे जो क्लास लेके आते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लेके आते हैं, वो डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी खासी हेल्पफुल होती है, है ना। तो मैंने वीडियो का लिंक आपको दे दिया, वहाँ पे आप वीडियो का लिंक है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पे होंगे आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या फिर जो हमारा चैनल है, चैनल आप लोग जानते होंगे एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से है, मैं चैनल का लिंक भी आपको दे देता हूँ, उसको भी आप चाहें तो अपने मित्रों से और सहपाठियों से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।